हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज की वीडियो में हम समरी संख्या पढ़ेंगे। देखिए, हमारा आज नया टॉपिक है समरी संख्या। इससे पहले के सभी चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। समरी संख्या, हम लोग यहाँ समरी संख्या पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो देखिए कि समरी संख्या क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। आप ढेर सारी संख्याओं के बारे में पहले से जानते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो आप प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं, सम संख्या के बारे में जानते हैं, विषम संख्या के बारे में जानते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं, सभी संख्याओं के बारे में आप जानते हैं। लेकिन हम यहाँ जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए एक नया चैप्टर है जिसमें हम पढ़ रहे हैं समरी संख्या। क्या पढ़ रहे हैं? समरी संख्या। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले तो हम ये जानेंगे कि समरी संख्या क्या है, ठीक है। समरी संख्या में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे क्या, समरी संख्या जो होती है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। ध्यान देखिए, समरी संख्या जो होती है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। उसमें एक भाग होता है वास्तविक, क्या होता है? वास्तविक होता है। और जो दूसरा भाग होता है वो होता है काल्पनिक, क्या होता है? काल्पनिक, ठीक है। एक वास्तविक भाग होता है और एक काल्पनिक भाग होता है, ठीक है। वास्तविक और काल्पनिक भाग मिल करके जो बनती है वो क्या कहलाती है? समरी संख्या कहलाती है। लेकिन हम लोग समरी संख्या तक पहुंचेंगे तो, लेकिन हम सबसे पहले कि इन संख्याओं को क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे और उसके बाद जाकर के हम समरी संख्या के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा समरी संख्या में काल्पनिक संख्या। क्या होगा? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ध्यान से देखिए, यह संख्या आपके लिए क्या है? नई है, इस वजह से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में इमेजिनरी कहते हैं। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब का काल्पनिक संख्या। देखिए, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? अगर हम काल्पनिक संख्या की बात करें तो जिसकी सिर्फ क्या की जा सके? कल्पना की जा सके। हम कह रहे हैं कि ऐसी वास्तविक संख्या या वह वास्तविक संख्या, या हम लोग सीधे सीधे कहें तो किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल जो होता है वह क्या कहलाता है? हमारा काल्पनिक संख्या कहलाती है। देखिए, किसी ऋणात्मक संख्या, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई संख्या एक है, और अगर हम लोग क्या ले लें, इसका ऋणात्मक कर दें, माइनस लगा दें, फिर उसका क्या ले लें? वर्गमूल ले लें। क्या ले लें? वर्गमूल ले लें। तो इस प्रकार से जो संख्या हमें मिलेगी वो क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। और इसे हम लोग आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। आई फॉर आयोटा होता है। क्या होता है? आई फॉर आयोटा, ठीक है ना। इसे हम पढ़ते भी क्या है? आयोटा। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है, या किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या, रूट अंडर माइनस एक से क्या करते हैं? दिखाते हैं। और इसे हम लोग लिखते हैं कि जो आई होता है उसका मान होता है रूट अंडर माइनस एक, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ते भी हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा, ठीक है ना। ये हमारा रहा क्या? आयोटा। आई का मान होता है कर्णी में माइनस एक, ठीक है। ये हमारा क्या है? काल्पनिक संख्या। आइए काल्पनिक संख्या के बारे में और बातें करते हैं। जैसे अब हमें तो पता ही चल गया कि जो काल्पनिक संख्या है वो आई बराबर लिखी जाती है रूट अंडर माइनस वन, ठीक है। तो अगर हमसे कोई आई स्क्वायर पूछे कि आई स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो हम आई स्क्वायर बताने के लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे आई इंटू आई। क्या लिखेंगे? आई इंटू आई। और आई इंटू आई में अगर हम लोग आई का मान रखें तो हो जाएगा रूट अंडर माइनस वन इंटू रूट अंडर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास आंसर में क्या? सिर्फ और सिर्फ माइनस वन, अर्थात आई स्क्वायर का जो मान है वो क्या हो जाएगा? माइनस वन। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें और देखें कि आई पावर तीन जो है वो क्या होगा। तो आई पावर तीन के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई। क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का मान हमने कितना निकाला है? माइनस एक निकाला है। और आई का मान तो हमारे पास क्या रहेगा?
आई को हम लोग रूट अंडर माइनस एक लिखें या क्या लिखें, आई ही लिखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई क्यूब बराबर माइनस आई, क्या हो जाएगा माइनस आई, ये हो गया हमारे पास क्या आई क्यूब। इसी प्रकार हम आगे बढ़े, अगर हम लोग आई पावर फोर निकालें, क्या निकालें आई पावर फोर निकालें, तो आई पावर फोर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई पावर फोर के लिए लिखेंगे आई क्यूब इंटू क्या लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे आई क्यूब इंटू क्या लिखेंगे आई। तो अगर आई क्यूब की वैल्यू देखें तो आई क्यूब की जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्या, आई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी क्या माइनस आई, आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आई, और हमारे पास एक आई यहाँ क्या है पहले से विद्यमान है, हम लोग फिर से इस आई और आई का क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। आई घाते कितना हो जाएगा आई घाते दो, तो ये हो जाएगा क्या हमारा माइनस आई स्क्वायर। इसी प्रकार हम और आगे बढ़े तो आई पावर फोर की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखिए आई स्क्वायर का मान हमारे पास माइनस एक है और एक माइनस पहले से है, इसलिए आई पावर फोर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी प्लस एक, ठीक है। ये रहा आपके पास क्या आई की पावर फोर का मान। इसी प्रकार हम आगे बढ़े और तो हम ये भी देख सकते हैं कि आई पावर पांच का मान क्या हो सकता है। आई पावर पांच देखिए, अगर आई पावर पांच देखते हैं हम लोग तो आई पावर पांच को लिखेंगे आई पावर फोर इंटू क्या लिखेंगे आई, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे जैसे हमारी घात बढ़ रही है वैसे वैसे हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सहारा किसका ले रहे हैं, हमेशा हम हमेशा जो भी घात हमें निकालनी है उसके पीछे वाली घात का सहारा ले रहे हैं। जैसे देखिए हमें यहाँ आई तो हमें पता ही है, आई स्क्वायर निकालना था तो हमने उसके उससे पहले घात क्या आएगी आई पावर एक, उसका सहारा हमने लिया। इसी प्रकार से देखिए आई पावर पांच निकाल रहे हैं हम, आई पावर पांच से पहले कौन सी घात आती है आई पावर चार आती है, यहां भी हम आई पावर फोर का क्या लेंगे सहारा लेंगे, क्योंकि आई पावर फोर का मान कितना होता है एक होता है, इसलिए आई पावर फोर का मान हो जाएगा एक इंटू आई, और आई पावर फाइव बराबर कितना हो जाएगा आई, ठीक है। यह रहा आई पावर फाइव का मान, ठीक है। आई पावर फाइव का मान कितना हो जाएगा फिर से आई हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास आई पावर छः पूछा जाए, क्या पूछा जाए आई पावर छः, तो आई पावर छः के लिए हम फिर से क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, या आई पावर छः के लिए हम फिर से क्या करेंगे कि इसे एक कदम पीछे से आकर के उसका सहारा लेंगे, तो आई पावर छः का मतलब हम किसका सहारा लेने वाले हैं आई पावर पाँच का लेने वाले हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आई पावर पाँच इंटू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई पावर पाँच इंटू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास आई पावर छः का मान हो जाएगा आई इंटू आई, आई इंटू क्या हो जाएगा आई, देखिए आई इंटू क्या हो जाएगा आई, क्यों, क्योंकि आई पावर पांच का मान क्या है आई है, तो यहाँ हो गया आई इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई पावर छः बराबर आई और आई का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। अब देखिए आई स्क्वायर को हम पहले से जानते हैं कि आई स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है माइनस एक होता है, तो आई पावर छः का भी मान कितना हो जाएगा आई पावर छः का मान भी हमारे पास माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आई स्क्वायर का मान माइनस एक हो गया, ठीक है। आगे भी बढ़ते हैं, एक और भी देखते हैं, क्या आई पावर छः के बाद हमारा जो आएगा वो होगा क्या आई पावर सात। आई पावर सात देखें तो आई पावर सात में हमारे पास क्या होगा, हम लोग इसे एक कदम पीछे का फिर से सहारा लेते हुए इसका मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना आई पावर छः इंटू क्या हो जाएगा आई, ठीक है। आई पावर छः की बात करें तो आई पावर छः की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है क्या माइनस एक, आई पावर सेवन बराबर माइनस एक इंटू क्या आई, ठीक है ना। ये देखिए फिर हम लोग आई पावर सेवन की बात करें तो आई पावर सेवन हो जाएगा हमारे पास क्या माइनस आई, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्या आई पावर सेवन की वैल्यू। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें और देखें आई पावर एट का मान देखें तो आई पावर एट के लिए हो जाएगा क्या आई पावर सेवन इंटू क्या हो जाएगा आई, ठीक है। आई पावर सेवन की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, कितनी है I पावर 8 बराबर I पावर 7 की वैल्यू हमने निकाल रखी है ना, क्या माइनस आई, ये हो जाएगा क्या इंटू आई, ठीक। हम लोग I का I से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा I पावर 8 बराबर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आई स्क्वायर हो गया ना, आई स्क्वायर का मान तो हमें पता ही है क्या होता है, आई स्क्वायर का मान हमें पता है जो कि माइनस एक होता है, इसलिए आई पावर एट का भी मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आया होगा ये सब पूरा प्रोसेस, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमें पता है कि आई बराबर क्या होता है, हमें यह भी पता है कि आई स्क्वायर बराबर भी क्या होता है और आई क्यूब बराबर भी क्या होता है, साथ में ये भी पता है कि आई पावर फोर का भी मान कितना होता है। आगे देखिए हम लोगों ने आई पावर फाइव निकाला है, आगे इसी प्रकार से हम लोगों ने आई पावर क्या निकाला है छः निकाला है, आगे हम लोगों ने इसी प्रकार से आई पावर सेवन निकाला है, और ये रहा आपका आई पावर कितना एट। आपको देख कर यह स्पष्ट हो रहा होगा कि जब जब चार चार का अंतर आएगा तब तक आई का मान क्या रहेगा सेम रहेगा, देखिए एक रहेगा। जैसे यहाँ देखिए आई है, ये क्या है हमारा आई, ठीक है। तो आई है तो आई का मान कितना है अंडर रूट माइनस वन, तो यहाँ देखिए आई पावर फोर का मान कितना है एक, क्या है आई पावर फोर का मान एक हो गया। फिर इसी प्रकार से आई पावर एट पे हमारा क्या आना चाहिए एक आना चाहिए, तो फोर हुआ,
5 पे नहीं आया, 6 पे नहीं आया, 7 पे भी नहीं आया, 8 पे फिर से देखिए कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए किसी भी बड़ी घात के सवाल को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका यही होगा जिससे आप क्या कर सकेंगे, उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसे किस में तोड़ेंगे हम लोग, उसके आई की पावर 4 में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, 4 में तोड़ेंगे तो हमें वो देगा क्या, 1 देगा, और एक की घात कुछ भी होगी तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। इस वजह से जब भी सवाल हमें मिलेंगी हम उसे आई की फॉर्मेट में, आई की घात 4 की फॉर्मेट में तोड़ने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है, कहा गया हमसे कि आई पावर 100 का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई पावर 100। समझ रहे हैं, आई पावर 100 का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ऐसे में तो हम ज्ञात करेंगे कैसे, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ पता जो चीजें हैं वो उन चीजों में पता ये है कि आई का मान होता है करणी में -1। ठीक है, दूसरी बात जो हमें पता है वो पता है आई स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक है, आगे के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। अब 100 तक जाना है तो जिस प्रकार से अभी हम यहां से लेकर के यहां तक के लिए प्रोसेस अपनाए थे कि एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे थे, अगर उस हिसाब से जाएंगे तो आई पावर 100 तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहां जो टेक्निक सीख रहे हैं उन टेक्निकों का आने वाले सवालों में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि आई पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, आई पावर 8 की वैल्यू 1 होगी, आई पावर 12 की वैल्यू 1 होगी, आई पावर 16 की वैल्यू 1 होगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मतलब हम देखते हैं कि जो पावर दी जाएगी, क्या दी जाएगी, पावर दी जाएगी, उसे 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिए, इसे लिखेंगे आई की पावर 4 की पावर कितना, 25, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल होगा और डिविजिबल होगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा। तो हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड करा और ये फॉर्मेट में हमने लिख दिया। कैसे, देखिए यहां जो सूत्र अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, ए की पावर एम की होल पावर क्या, एन। तो आंसर हो जाता है ए की पावर एम एन, ये हमारा क्या है, सूत्र है। आशा करते हैं कि आप जानते होंगे। आगे देखिए, ये लिखा है आई पावर 4 इंटू कितना, 25। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। बात तो वही है लेकिन लिखने का तरीका हमारा क्या है, दूसरा है। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि आई पावर जो 4 है इसका मान कितना है, 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर कितना, 25, और 1 की पावर आप कुछ भी करें तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, ये रहा आपका क्या आंसर। आप इस प्रकार से बहुत सारी सवाल लगा सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर और भी सवाल आप देखें तो क्या कर सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए आई की पावर आई प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे क्या पूछी जा सकती है, सवाल पूछी जा सकती है। तो ध्यान दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस सवाल को लगाने के लिए भी, मान लीजिए इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए इन सब फॉर्मेटों का तो उपयोग कर सकेंगे, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बड़ी घाते रहेंगी तो का क्या प्रयोग करेंगे। इस वजह से हम यहाँ छोटा फॉर्मेट ले रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां से लेकर यहां तक देखिए, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 3 प्लस आई पावर 4। ठीक है, आप चाहे तो वैल्यू रखिए, चलिए वैल्यू रखते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, आई है प्लस आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास, -1। इस वजह से ये प्लस जो रहेगा वो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। फिर आई पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, आई पावर 3 का मान हो जाएगा -i। देखिए आई पावर 3 का मान क्या है, -i है। आई पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, +1। इसी प्रकार से कौन आएगा, आई पावर 5। तो आई पावर 5 को क्या लिखेंगे, आई पावर 4 इंटू आई पावर आई। देखिए 4 इंटू 5 हो गया कि नहीं। आई पावर 6 को क्या लिखेंगे, आई पावर क्या लिखेंगे, 4 इंटू आई पावर कितना, 2। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये देखिए आई से आई कट गया, 1 से 1 ये कट गया। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि जब जब 4-4 का अंतर होगा तब तक उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। देखिए यहां तक हमारा मान कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 0 आई कि नहीं आई, क्योंकि आई से आई घट गया और ए -1 से +1 घट गया। हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हमारे पास यहाँ आई पावर फोर है तो इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, तो बचा कौन, आई प्लस आई स्क्वायर। आई प्लस क्या बचा, आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर देखें तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। तो क्या हो जाएगा, आई प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, -1। इसे लिखेंगे -1 प्लस क्या, आई। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और भी उदाहरण है हमारे पास, ठीक है, आयोटा को लेकर के। जैसे आपसे ये भी सवाल पूछी जा सकती है आयोटा में कि क्या, फाइंड द वैल्यू समेशन ऑफ के बराबर 1 से के बराबर 10 तक आई की पावर के। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ऐसे भी आपसे सवाल पूछी जा सकती है। आप क्या करें, के का मान रखें कहां से, 1 से लेकर के 10 तक का रखें, और 1 से लेकर के 10 तक का रख करके क्या ज्ञात करें, आई पावर कितना, 1 से 10 तक की सीरीज का पूरा क्या कर सकें, मान ज्ञात करें। देखिए कैसे, हम लोग सबसे पहले इस सीरीज को तोड़ेंगे सीरीज, तो क्या हो जाएगा, आई पावर 1
प्लस आई पावर दो प्लस आई पावर तीन प्लस आई पावर चार प्लस आई पावर पाँच प्लस आई पावर छः प्लस आई पावर सात प्लस आई पावर आठ प्लस आई पावर नौ प्लस आई पावर दस प्लस आई पावर कितना 11। देखिए यहीं तक तो वैल्यू हमसे क्या की गई, बोली गई है ना कि k का मान कहां से रखिएगा, एक से लेकर कहां तक, 10 तक रखिएगा। ठीक है, हमने यहां से यहां तक रख दिया है। आगे देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य। यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य। बचा कौन, यही तीनों बचा। आपको समझ आया होगा कि एक से लेकर के चार तक का आंसर क्या होता है, जीरो होता है। उसी प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया है। आगे देखिए, यहां क्या हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा कितना, आई पावर 9, आई पावर 10 और आई पावर क्या, 11। ठीक है, देखते हैं हम लोग आई पावर 9 को लिखेंगे क्या, आई पावर 8 इंटू आई। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, आई पावर 10 को लिखेंगे आई पावर 8 इंटू आई पावर 2 प्लस आई पावर 8 इंटू आई पावर कितना, 3। ठीक है, आई पावर 8 का हर जगह मान कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास बचेगा क्या, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर कितना, 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा हो जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर का मान माइनस एक प्लस आई क्यूब का मान क्या हो जाएगा, माइनस आई। माइनस आई प्लस आई से घट जाएगा और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एक। ये रहा हमारा क्या आंसर। इस प्रकार से आपसे ढेर सारी सवालें क्या की जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं आयोटा को लेकर के। आई होप आपको ये आयोटा के बारे में जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कि आयोटा को आई से सो करते हैं और आई बराबर होता है रूट अंडर माइनस वन। ये क्या है, काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, और भी ढेर सारी सवालें बन सकती है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक सवाल और भी देखते हैं। जैसे हमसे सवाल पूछी जा सकती है, आई की पावर 555 प्लस आई की पावर 556 प्लस आई की पावर 557 प्लस आई की पावर 558 प्लस आई की पावर 559। इस प्रकार की भी सवाल हमसे क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि चार चार के अंतर पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो ये 555 56 57 और 58 इसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, यहाँ बचेगा आई की पावर 559। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आई की पावर 559 है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे चार की फॉर्मेट में तोड़ेंगे। चार की फॉर्मेट में जब इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आई की पावर 4 की पावर, डिवाइड कीजिए चार एक नम चार, यहाँ बचेगा कितना, एक। यह हो जाएगा चार तीन 12, तीन 15, चार नवाई 36, तीन बचेगा। तो हम लोग इसे लिख देंगे आई की पावर कितना, 3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए चार से जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये 500 कितना होगा, 56 ही होगा। फिर क्या करेंगे, तीन ऐड कर देंगे तो 559 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहाँ बचेगा क्या, आई पावर 3, और आई पावर 3 का मतलब कितना, माइनस आई। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, समरिश संख्या। ठीक है, देखिए हमारी अगली हेडिंग है समरिश संख्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ध्यान देखिए, हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी अभी देखा कि काल्पनिक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या में आयोटा क्या होता है, और आयोटा के बारे में हमने कुछ जानकारियां क्या की, प्राप्त की। जैसे आई बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन, आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन, आई पावर 3 बराबर माइनस आई, और आई पावर 4 बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मान लेते हैं हमारे पास दो वास्तविक संख्याएं x और क्या है, y है। हमारे पास दो वास्तविक संख्याएं हैं, कौन कौन सी, x और y है। ठीक है, इन संख्याओं को x प्लस आई वाई की फॉर्मेट में लिखना ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और हम इसे क्या करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं x और y को, किन्हीं भी दो संख्याओं x और y को x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, समरिश संख्या कहलाता है। इसे z से डिनोट करते हैं, मतलब समरिश संख्या जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है किससे, z से। ठीक है, z आपको कहीं दिखे तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा क्या होती है, समरिश संख्या। समरिश संख्या दो चीजों से मिलकर बनी होती है, दो भाग होते हैं समरिश संख्या में। पहला जो भाग होता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक के बारे में तो अभी हमने जानकारी आपको दी ही है।
वास्तविक के बारे में आप पहले से जानते हैं, ठीक है। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा कौन सा हो गया, वास्तविक संख्याएं हो गई, जिन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, रियल, क्या कह रहे हैं, रियल, और इसे क्या कह रहे हैं, इमेजिनरी कह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, समरी संख्या, ठीक है। ऐसे ही समरी संख्याओं को ढेर सारी समरी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ समरी संख्या को अगर हमें लिखना है कि समरी संख्या में कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं, तो x भी हमारी वास्तविक है और y भी हमारी वास्तविक है, लेकिन इस i की वजह से ये पूरा पद ही हमारा क्या कहला रहा है, काल्पनिक कहा जा रहा है, ठीक है, जिसमें x और y दोनों ही क्या है हमारे पास, काल्पनिक है, ठीक है। देखिए कभी कभी आपसे इसमें ऐसे रिप्रेजेंट किसमें से, समरी संख्या में, जैसे समरी संख्या, और देखिए रिप्रेजेंट करने के तरीके में, ये देखिए ये क्या लिखा है, एक समरी संख्या है, ठीक है। ऐसे ही क्या है हमारे पास, मान लीजिए ये है, ये है हमारे पास, ठीक है, ये भी क्या है, एक समरी संख्या है। तो आपसे क्या करा जाएगा, आपसे इस प्रकार की समरी संख्याओं को दे करके आपसे यह पूछा जाएगा कि इसमें बताइए वास्तविक भाग कौन सा है और काल्पनिक भाग कौन सा है। मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये एक जेड है, ये क्या है, जेड है, क्योंकि ये क्या है, समरी संख्या है। अगर समरी संख्या है तो हम उसे क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। जब जेड लिखेंगे तो जेड बराबर पास है 2 + 3i। आपसे पूछा जाएगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड, या ध्यान से देखिए इसे पढ़ने का तरीका, सुनिए, ठीक है। आपको लिखा रहेगा R is Z, मतलब क्या, रियल, क्या, R फॉर रियल, ठीक है। रियल पार्ट, कौन सा पार्ट, रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग, किसका, जेड का। जेड का वास्तविक भाग कौन होता है, पहला वाला, तो वास्तविक भाग कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, 3, और रियल पार्ट कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से सबसे पहले इस समरी संख्या को जो हम लिखेंगे, इसे ऐसे लिखते हैं, 14 + 3i, क्यों, क्योंकि अच्छा रूट में 3 भी रहेगा, √3i, ठीक है। आई को जब हम लोग लिखेंगे तो वो √-1 हो जाएगा, और उसका अंदर गुणा होगा तो माइनस क्या बना लेगा, 3, ठीक है। आपसे यहाँ पूछा जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड बताइए, और आपसे पूछा जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या बताइए, जेड बताइए। तो आपको रियल पार्ट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, और इमेजिनरी पार्ट के लिए किसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या रहा, रियल पार्ट रहा, और ये हमारा कौन सा पार्ट रहा, इमेजिनरी पार्ट रहा, ठीक है। आपको समरी संख्या भी समझ में आ गई होगी। हम समरी संख्या की क्या लिख देते हैं, डिफिनेशन लिख देते हैं कि वास्तविक संख्या एक्स वाई को जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिखना समरी संख्या कहलाता है, समरी संख्या कहलाता है, ठीक है। और समरी संख्या को जेड से निरूपित करते हैं, मतलब जेड से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये हो जाएगा जेड बराबर ए प्लस आई बी, ठीक है। ध्यान से जैसे हम लिख रहे हैं, ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए कि ये हमारा जो है वो कौन सा भाग है, वास्तविक भाग, कौन सा भाग, वास्तविक भाग, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रियल पार्ट, ठीक है। ये जो बी है हमारा वो क्या है, काल्पनिक, काल्पनिक भाग, इसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये हमारा कौन सा रहा, रियल पार्ट, और ये क्या रहा हमारा, इमेजिनरी पार्ट। तो जो भी समरी संख्या में दी जाएगी उसमें जब हमसे पूछा जाएगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे इसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जैसे हमने यहां बताने का प्रयास किया है। ध्यान से देखिए कि रियल वास्तविक भाग को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, आर ई ऑफ जेड, ठीक है। ध्यान से, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और इसे प्रदर्शित करने का जो हमारा तरीका है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कभी कभी आपको लिखा दिख जाए तो आप परेशान ना हो, आप सीधे सीधे क्या लिखें, रियल पार्ट ऑफ जेड लिखें, और क्या लिखें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या लिखें, जेड लिखें, ठीक है। मतलब वास्तविक और काल्पनिक भाग, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक होगा
हम लोग समरी संख्याओं के बारे में जान चुके हैं कि समरी संख्या को जेड से शो करते हैं और जेड बराबर क्या होता है, ए प्लस आई बी लिखिए या जेड बराबर क्या लिखिए, एक्स प्लस आई वाई लिखिए, ठीक है। जहां ए जो होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट होगा, एक्स क्या होगा, रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कौन कौन होगा, बी होगा और कौन होगा, वाई होगा। हम ये भी जान चुके हैं कि आई का मान रूट अंडर माइनस वन है, आई स्क्वायर का मान माइनस वन है, आई पावर तीन का मान माइनस आई है, आई पावर फोर का मान एक है, ठीक है। ये सब सारी चीजें जानते हुए भी हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं समरित संख्याओं का बीज गणित। क्या पढ़ते हैं, समरित संख्याओं का बीज गणित, ठीक है। हेडिंग होगी हमारी समरिस संख्याओं का बीज गणित, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बीज गणित, ठीक है। अब देखिए बीज गणित में क्या है, बीज गणित में हम समरी संख्याओं से संबंधित जोड़ सीखेंगे, समरी संख्याओं से संबंधित घटाना सीखेंगे और समरी संख्याओं से संबंधित गुणा सीखेंगे और अंतिम में क्या सीखेंगे, भाग भी सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं समरी संख्याओं के बीज गणित में। सबसे पहला पॉइंट, समरी संख्याओं का क्या जोड़, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समरी संख्याओं का क्या जोड़ सीखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो समरी संख्या है, क्योंकि एक समरी संख्या को किसके साथ जोड़ेंगे, इसलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो समरी संख्या है, एक क्या है जेड वन और अगली कौन है जेड टू। देखिए अगर हम लोग दो समरी संख्या माने और दोनों को जेड ही मान लें तो जेड ही मानने का कोई फर्क है, कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों को तो जेड ही हो गई, दो समरी संख्या माननी है, इसलिए हमने एक को जेड मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया है, जेड टू मान लिया है, ठीक है। हमने यहां मान लिया है क्या, मान लीजिए ए बी में अगर मानते हैं या एक्स वन वाई वन में मानते हैं, एक्स वन प्लस आई वाई वन, ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या एक्स टू प्लस आई वाई टू। ये हमारे पास क्या है, दो समरी संख्याएं हैं। हम दो समरी संख्याओं का जोड़ सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, जोड़ सीख रहे हैं। इस वजह से जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जेड वन प्लस जेड टू, क्या हो जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू बराबर हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस आई वाई वन प्लस आई वाई टू, ठीक है। देखिए आपको आसानी से जोड़ समझ में आया होगा क्योंकि हमने जोड़ के फॉर्मेट में ही इसे जोड़ने का प्रयास किया है। देखिए जेड वन को जेड टू से जोड़ा तो जेड वन प्लस क्या हो गया, जेड टू, या हमने क्या करा एक्स वन को एक्स टू से जोड़ दिया है प्लस आई वाई वन को आई वाई टू से जोड़ दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसे लिखेंगे जेड वन प्लस जेड टू बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है, प्लस इन दोनों में आई दोनों में दिख रहा है तो हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, आई कॉमन कर सकते हैं। अगर आई कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई वन प्लस कौन वाई टू, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब कि जो दो संख्याओं का जोड़ होता है, जो दो संख्याओं का, जो दो समरी संख्याओं का जोड़ होता है वह दोनों समरी संख्याओं के वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रियल पार्ट ऑफ क्या जेड वन प्लस जेड टू बताइए, रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस क्या बताइए, जेड टू बताइए, तो आप उसे आसानी से कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस रियल पार्ट ऑफ कौन जेड टू होगा, ठीक है। ये देखिए बात आपको समझ में आएगी नहीं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, ध्यान से देख लीजिए कि रियल, अगर आपसे रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू पूछा जाए, क्या पूछा जाए, रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू पूछा जाए, तो आपको निश्चित रूप से यह समझ में आ रहा होगा कि सर को आंसर लिखना चाहिए था एक्स वन प्लस एक्स टू, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख कर यह दिखा रहा हूं कि एक्स वन कहां से आया है, यह हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड वन है, और एक्स टू कहां से आया है, रियल पार्ट ऑफ कहां से, जेड टू से आया है, इसलिए हमने लिखा कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू हमारा हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड टू। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट बताइए किसका, दो समरी संख्याओं के जोड़ का, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे दोनों समरी संख्याओं के वास्तविक भागों को जोड़ करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एक कदम आगे भी समझ में आया होगा कि यदि मैं यही पूछूं, क्या पूछूं आपसे, कि आप बताइए इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्या बताइए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, मतलब काल्पनिक भाग,
कौन सा भाग? काल्पनिक भाग। तो आप कहेंगे कि जो हमारा काल्पनिक भाग होगा सर वो होगा y1 प्लस y2। तो हम पूछेंगे कि y1 कहां से आया, तो आपका आंसर होगा कि सर ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, z1 का। और जो हमारा ये दूसरा वाला भाग y2 है वो है हमारा कौन सा, इमेजिनरी पार्ट है z2 का। तो आप क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 जो होगा वही हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 होगा। ठीक है, देखिए ये समरी संख्याओं का क्या था, जोड़ था। आसान जोड़ होता है समरी संख्याओं का। ठीक है, देखिए आपको बीजगणित आती है तो समरी संख्याओं का जोड़ भी आपको क्या होगा, आसानी से आएगा। उदाहरण के तौर पर ये तो हमने जो लगाया है ये सब क्या था, बातें थी सूत्र टाइप से। ठीक है, हम लोग इसे सूत्र ही मान लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ दूसरी संख्या लेते हैं, z1 बराबर 2 + 3i और z2 बराबर 6 - 2i। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड क्या, z1 + z2। ठीक है, फाइंड z1 + z2। z1 और z2 क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए हमें z1 और z2 ज्ञात करना है, तो z1 और z2 ज्ञात करने के लिए हम लोग सीधे सीधे क्या कर देते हैं, सामान्य बीजगणित के हिसाब से जोड़ने तो आपको आता ही है। तो आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, z1 + z2 बराबर 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 में 2i तो जुड़ेगा लेकिन चिन्ह किसका, बड़ा है प्लस का, इस वजह से आंसर हमारा हो जाएगा प्लस क्या, i। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा z1 + z2 बराबर 8 + i। आपसे यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि रियल पार्ट ऑफ z1 + क्या बताइए, z2। तो आपका आंसर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, यह 8 ज्ञात करने के लिए आप 6 और 2 को जोड़ते हुए भी ज्ञात कर सकेंगे। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 + क्या बताइए, z2 बताइए, जो कि कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ गुणांक हमारा कितना है, 1 है। समरी संख्याओं के बीजगणित में हमारा पॉइंट बी होगा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एड। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समरी संख्याओं का अंतर। क्या पढ़ रहे हैं, समरी संख्याओं का अंतर। ठीक है, बात वही है, कुछ नया नहीं है, हमारा पूरा डायलॉग वही पुराना रहने वाला है। कौन सा, कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं, दो समरी संख्याएं, z1 क्या x1 प्लस iy1 प्लस दूसरा z2 x2 प्लस iy2 है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो सामान्यतः अंतर ज्ञात करने के लिए हमारा चिन्ह क्या कर होता है, बदल जाता है। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा z1 - z2 बराबर x1 - x2 प्लस iy1 - iy2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या हो जाएगा, इसे हम लोग थोड़ा सजा के लिखें, ये हो जाएगा z1 - z2 बराबर x1 - x2 प्लस i क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y1 - y2। ये हो गया हमारा क्या, दो समरी संख्याओं का अंतर। ठीक है, ये हमारा क्या है, दो समरी संख्याओं का अंतर है कि z1 - z2 बराबर x1 - x2 प्लस iy1 - y2। ठीक है, फिर से वही पुरानी बात, कौन सी, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप यह बताइए कि रियल पार्ट ऑफ क्या, z1 - z2, रियल पार्ट ऑफ z1 - z2 क्या होगा। तो आंसर होगा हमारा कि सर x1 - x2 होगा। ठीक है, ये तो बात तो ठीक ही है कि आप इसमें से देख के बता रहे हैं, लेकिन आपको यदि डायरेक्ट बताने की जरूरत हो तो आप सीधा लिखेंगे कि सर रियल पार्ट ऑफ z1 - रियल पार्ट ऑफ z2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम ये ऐसे ही बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आपसे इमेजिनरी पार्ट भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे यह पूछा जा सकता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 - z2 बराबर क्या, y1 - y2। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन इसे लिखने का जो हमारा दूसरा तरीका है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 - इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, ये भी बात क्या रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उदाहरण अगर आप लगाना चाहें तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास दो समरी संख्याएं z1 बराबर 3 + 15i और z2 बराबर 6 + 3i है। ठीक है, आप क्या करें, z1 - z2 ज्ञात करते हुए इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट भी लिखें। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।